दोस्तों, आधुनिक भारत में भले ही बिहार का जन्म 22 मार्च 1912 में उड़ीसा बंगाल से अलग होकर हुआ हो, लेकिन बिहार का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। बिहार की गौरव गाथा इतनी प्राचीन और लंबी है कि इसका बखान मिनटों या घंटों में संभव ही नहीं। बिहार में कितने ही संतों, सम्राटों, गुरुओं, महापुरुषों, साहित्यकारों और राजनेताओं की जन्मभूमि रहा है और आगे भी इस भूमि में ना जाने कितने ही ऐसी विभूतियां जन्म लेंगी जो भारत का नाम पूरे विश्व में महान करेंगी। बिहार, जहां माता सीता का जन्म हुआ, जहां भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, जहां जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर ने जन्म लिया, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि। आज जिस लोकतंत्र पर संपूर्ण दुनिया नाश करती है, उसका पहला विचार बिहार के लिच्छवी राजाओं ने ही दुनिया को दिया। ये वही बिहार है जहां अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य यानी चाणक्य का जीवन गुजरा, जहां आर्यभट्ट का जीवन गुजरा। ये वो बिहार है जहां सम्राट अशोक, बिंबसार, चंद्रगुप्त, विक्रम आदित्य जैसे राजाओं ने राज किया। ये वही बिहार है जो इतिहास के पन्नों में मगध के नाम से दर्ज है, वही मगध साम्राज्य जिसमें प्राचीन काल में नालंदा नामक सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था और जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। माना जाता है कि दुनिया के इस प्राचीनतम विश्वविद्यालय में गौतम बुद्ध कई बार आए थे। यही वजह है कि 5वीं बार से 12वीं शताब्दी में इसे बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया चीनी यात्री हेनसांग ने भी यहां आकर अध्ययन किया और यहां की अध्ययन प्रणाली, अभ्यास और मठवासी जीवन की पवित्रता का अपनी पुस्तक में भी वर्णन किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के इस पहले आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में दुनिया भर से आए 10,000 छात्र एक साथ शिक्षा लेते थे और 2,000 शिक्षक उन्हें पढ़ाते थे। इस स्वर्णिम और प्राचीन इतिहास से आगे बढ़े तो आधुनिक इतिहास में भी बिहार उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। मोहनदास करमचंद गांधी की जन्मभूमि भले ही गुजरात रही हो, लेकिन महात्मा गांधी जी का जन्म बिहार में ही हुआ। पहली बार बिहार के चंपारण से ही उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। इसी धरती पर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह नमक आंदोलन चलाया। बिहार की ये धरती संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण की धरती है, उस जयप्रकाश की जो आपातकाल के आंदोलन के प्रणेता रहे, जिन्होंने भारत की पूरी राजनीति को उलट पलट कर रख दिया। ये वही बिहार है जिसने सादगी और सच्चाई की मूरत भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जन्म दिया। ये बिहारी ठाकुर की धरती है जिनके लिखे नाटक आज भी पूरे समाज को झकझोर देते हैं। ये महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती है जिनकी कविताओं से आज भी मुर्दे में जान आ जाती है। राजनीति में भूचाल आ जाता है क्योंकि वे कहते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुखपुका उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रहा समय के साथ घाघर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। फर्शिवनाथ रेणु, राम वृक्ष बेनीपुरी, देवी की नंदन खत्री, बाबा नागार्जुन, बिस्मिल्ला खान, गंगा शरण सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, राम जीवन सिंह, श्री कृष्ण सिंह, संप्रदा सिंह जैसे इतने नाम बिहार से जुड़े हैं कि हम इन सबके बस नाम भी ले तो कितना ही समय खप जाए। बात अगर बिहार की राजनीति के करें तो आजादी के बाद से लेकर अब तक बिहार में राजनीतिक घमासान भी खूब देखने को मिले। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के श्री कृष्ण सिन्हा से लेकर वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार तक के सफर में बहुत उलटफेर हुए, बहुत पेत्रबाजियां हुई। कभी क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने झंडे बुलंद किए तो कभी राष्ट्रीय पार्टियों ने सेंध मारी। इन कई दशकों में हमने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, कर्पूरी ठाकुर, दरोगा राय, जगन्नाथ मिश्रा जैसे कई धाकड़ नेताओं की दहाड़ सुनी। इन सभी ने बिहार में राज किया, कुछ तो बदनाम रहे और कुछ ने बहुत नाम कमाया और बिहार को आगे ले जाने में अथक प्रयास किए। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो सन 2000 में बिहार से कटकर एक नए राज्य झारखंड का गठन हुआ, जिसके बाद अब बिहार 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो कि उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है।
भाषा की बात करें तो यहाँ मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका और बज्जिका आदि भाषाओं की मिठास है। पर्वों में छठ पूजा यहाँ का प्रसिद्ध लोक पर्व है और इसके अलावा भी कई लोक पर्व बिहार में मनाए जाते हैं। यहाँ माँ गंगा, सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, दुर्गावती, कोसी और घाघरा आदि नदियाँ बहती हैं। इन्हीं नदियों से जुड़ी है यहाँ की आस्थाएं और छठ पर्व जैसे पवित्र त्योहार। तो दोस्तों, बिहार अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है और बिहार ने इस देश को जितना दिया है शायद ही किसी ने दिया हो। इसलिए एक बिहारी वासी होने पर हमें हमेशा गर्व होना चाहिए। जय बिहार, जय भारत।